हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है एक वोल्टास के इन्वर्टर एसी पर है। ये भी मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इसमें एक एरर आ रहा था जो कि एरर था E3, और E3 एरर वोल्टास के इन्वर्टर एसी में होता है कॉइल सेंसर का। अगर आपका कॉइल सेंसर फॉल्टी है तो ये एरर शो होगा, या अगर आपकी PCB ख़राब है तो भी ये एरर शो होगा। तो PCB और एरर सेंसर को कैसे चेक करते हैं उसके लिए वीडियो बनाई गई है। आपको भी मैंने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था E3 क्यों आता है, सेंसर कॉइल सेंसर का एरर होता है। अब सेंसर कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो बनाकर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप एरर सेंसर को चेक करना सीख सकें, और उसके अलावा आप PCB को भी चेक करना सीख सकें कि ये फॉल्ट PCB का है या सेंसर का। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे करके रखें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में आपको बस मुझे एक सेंसर एरर के बारे में एरर सेंसर के बारे में बताना था, और वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इस एसी पे कई एरर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये गाइस E3 एरर आ गया है, और ये कॉइल सेंसर का एरर है।